फाइनली इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म द केरला स्टोरी आज अपने दूसरे दिन को भी कंप्लीट कर चुकी है और तीसरे दिन के रनिंग में थिएटर्स में चल रही है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इस फिल्म के तीसरे दिन के नेट इंडिया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, साथ ही बात करेंगे दूसरे दिन का कलेक्शन आखिर कितना रहा है, साथ ही बात करेंगे इस फिल्म का बजट और ऑक्यूपेंसी के बारे में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही जब इस फिल्म का टीजर और ट्रेलर आया था तो ये जो फिल्म है भारी कंट्रोवर्सी में घिर चुकी थी, जहां पर दोस्तों इस फिल्म को काफी हेट मिल रहा था और इस फिल्म को धर्म के विरुद्ध भड़काने की कोशिश की जा रही है ये कहा जा रहा था। लेकिन दोस्तों अब जो ये फिल्म रिलीज हो चुकी है तो इस फिल्म को काफी धमाकेदार और पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं और इस फिल्म का जो कलेक्शन आ रहा है वो सच में हैरान कर देने वाला है। दोस्तों इस फिल्म को फिल्म क्रिटिक और ऑडियंस की तरफ से काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिला, यही कारण है कि दोस्तों ये जो फिल्म है आज धमाकेदार कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों ये जो फिल्म द केरला स्टोरी है ये ट्रू स्टोरी बेस्ड फिल्म है, इस कारण भी ये फिल्म काफी ज्यादा चर्चे में है। वहीं दोस्तों इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो पहले दिन के मुकाबले आज काफी ज्यादा देखने को मिला, जहां पर दोस्तों ये इस फिल्म के लिए हमेशा ग्रोथ ही देखने को मिली है, जहां पर दोस्तों अपने रिलीज के पहले दिन ये जो फिल्म है रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती हुई नजर आई। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के लिए एक नया चैलेंज सामने आया, जहां पर दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान सर की फिल्म है किसी का भाई किसी की जान भी थिएटर्स में अभी तक चल रही है। साथ ही दोस्तों साउथ की धमाकेदार फिल्म पोनियर सेलवन पार्ट 2 भी थिएटर्स में अभी तक चल रही है और हॉलीवुड की फिल्म जॉन विक चैप्टर 4 भी थिएटर्स में अभी तक चल रही है। इस कारण से इस फिल्म को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म का जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो सच में हैरान कर देने वाला है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, यानी कि तीसरे दिन के कलेक्शन के बारे में। तो पहले दिन दोस्तों इस फिल्म का जो कलेक्शन था ओपनिंग डे में ये फिल्म 8 करोड़ 3 लाख की ओपनिंग करती हुई नजर आई, जो कि अपने बजट के हिसाब से काफी ज्यादा कलेक्शन निकल के आई थी। इसी के साथ दोस्तों दूसरे दिन का कलेक्शन भी उससे कहीं ज्यादा देखने को मिला था। दूसरे दिन ये फिल्म 12 करोड़ 50 लाख की कलेक्शन करती हुई नजर आई, जहां पर दोस्तों दूसरे दिन तक टोटल नेट इंडिया भर से ये जो फिल्म है लगभग 20 करोड़ 50 लाख की अर्निंग कर चुकी थी, जहां पर दूसरे दिन तक वर्ल्ड वाइड से इस फिल्म का कलेक्शन लगभग 25 करोड़ का देखने को मिला था। वहीं दोस्तों आज के कलेक्शन के बारे में बात करें, आज ये फिल्म दोस्तों संडे होने के कारण एक बड़ी उछाल के साथ लगभग 15 करोड़ का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है नेट इंडिया भर से, जो कि एक अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, जहां पर दोस्तों ओवरसीज से इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो लगभग 3 करोड़ का देखने को मिल रहा है। इसी के साथ तीसरे दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 17 करोड़ का देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों तीसरे दिन तक टोटल नेट इंडिया पर से जो फिल्म है 35 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम कर चुकी है, जहां पर दोस्तों वर्ल्ड वाइड से इस फिल्म का कलेक्शन तीसरे दिन तक 42 करोड़ का हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों तीसरे दिन तक ये जो फिल्म है अपना बजट रिकवर करके हिट होने को बिल्कुल तैयार है, जहां पर दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए अब भी और 10 करोड़ का ही कलेक्शन और करना होगा और दोस्तों ये फिल्म एक महाब्लॉकबस्टर फिल्म होने जा रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी, सिद्धि इदनानी जैसे बड़े बॉलीवुड के सितारे इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी हो तो इस फिल्म को जरूर से लाइक कर देना और ये फिल्म कितना कलेक्शन कर सकती है आप कमेंट में जरूर से बताना। और साथ ही साउथ और बॉलीवुड की मूवीज से रिलेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल क्रेजी फिल्म सिनेमा को सब्सक्राइब जरूर से करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।